नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनवेश। आप देख रहे हैं पीएचपी प्रोजेक्ट। अरे ये स्टार्ट करते हैं अपना वर्क। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा, हमने ये कॉन्टैक्ट अस का जो हमारा पेज था इसे हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम काम करेंगे दोस्तों इस रजिस्टर के पेज पे, और इस रजिस्ट्रेशन के पेज को हम कंप्लीट करेंगे। जब कोई बंदा इस पर क्लिक करे तो कहीं ना कहीं जाए और अपना रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट करे। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं अपने कोर एडिटर की तरफ और इस पे जो है हम वर्क करना स्टार्ट करते हैं। हमारे कोर एडिटर पे इस पर हम करते हैं कंट्रोल यन, जिससे हमारी आ जाएगी नई फाइल, और इस पर नेम लिखते हैं कस्टमर रजिस्ट्रेशन का, और इसको कंट्रोल एस टू सेव करते हैं अपनी रूट डायरेक्ट्री में रजिस्ट्रेशन डॉट पी एच पी के इंस्ट्रक्शन के साथ। ये हो गया हमारा सेव दोस्तों। अभी हमें क्या करना है कि ये जो हमारा पेज है दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे कि जो रजिस्ट्रेशन का पेज होगा हमारा, जो एग्जिस्टिंग साइट में चलते हैं हम आपको दिखाते हैं। ये रजिस्ट्रेशन का पेज है हमारा, जो कि लुक लाइक आपको दिख रहा है बिल्कुल आपके कॉन्टैक्ट अस के पेज के तरह ही, है ना। तो हम इसमें सबसे पहले तो ये करते हैं ना दोस्तों कि ये जो पूरा हमारा पेज है आपका कॉन्टैक्ट अस का, है ना, इस पूरे पेज को हम यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉन्टैक्ट अस के पूरे पेज को यहाँ से कंट्रोल ए एंड कंट्रोल सी करके कॉपी करते हैं, और इसमें ला के कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देते हैं दोस्तों। और इसमें कुछ चीज़ों को हम चेंज करते हैं, जैसे आपका ये जो है एक्टिव क्लास, इसको हटाते हैं यहाँ से, और एक्टिव क्लास हम करते हैं होम को। ठीक है, ये होम जो है हमारी, यही एक्टिव क्लास दिखेगी वहाँ पे जब कोई बंदा उस पर क्लिक करेगा तो, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं होम पेज के अकॉर्डिंग उसके अंदर ही आती हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम नीचे आते हैं, और ये आपका जो हो गया कॉन्टैक्ट अस का, इसको हम कर देते हैं रजिस्ट्रेशन। ओके, ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन का। एंड देन हम क्या करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट अस, इसको लिख देते हैं कस्टमर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन एंड ये जो आपका पैराग्राफ का टैग है, इसको पूरा का पूरा यहाँ से कर देते हैं हट्टा। और उसके बाद ये जो आपका फॉर्म है, यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे फॉर्म बना होगा, ये है फॉर्म, है ना। और इस फॉर्म का जो ये है एक्शन, इसको हम कर देते हैं अब अपने कस्टमर रजिस्ट्रेशन के पेज पर, कस्टमर रजिस्ट्रेशन डॉट पी एच पी के पेज पर। मेथड पोस्ट ही रखते हैं, और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे फ़ोटो भी जाएगी इसके साथ कस्टमर के, तो हम दे देते हैं इसको टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, मल्टी पार्ट फॉर्म एफ ओ आर एम फॉर्म डाटा यानी डेटा। ओके, ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे हमने कर ली हैं, बट यहाँ पे ये डैश नहीं होगा, यहाँ पे स्लैश होगा। ठीक है, तो ओके, इतनी चीज़ें हमने यहाँ पे की हैं। और यहाँ पे नेम की जगह दे देते हैं कस्टमर नेम, कस्टमर नेम। एंड ईमेल की जगह कर देते हैं कस्टमर ईमेल। ठीक है, और बाकी चीज़ों को हम करते हैं, इससे पहले चलते हैं अपना, हम देख लेते हैं प्रीव्यू इसका कैसा क्या आ रहा है। करते हैं रजिस्टर पर क्लिक और देखते हैं इसका प्रीव्यू। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रजिस्टर हो गया, और यहाँ पे होम पेज को जो है एक्टिव होना चाहिए था, वो नहीं है, मैं देख लूँगा क्यों नहीं है। ठीक है, और उसके बाद में ये रजिस्ट्रेशन का आपका आ गया यहाँ पे कस्टमर रजिस्ट्रेशन, कस्टमर ईमेल। सॉरी, हम दूसरे पेज में हैं दोस्तों, अभी ये हमारी एग्जिस्टिंग साइट है, इस पर हम चलते हैं, ये हमारी कंस्ट्रक्शन साइट। ठीक है ना, अभी हम केस को रिफ्रेश और अब चलते हैं रजिस्टर पे। तो ये आपका आ गया कस्टमर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे देखिए होम पेज एक्टिव दिखाई दे रहा है, और कस्टमर नेम, कस्टमर ईमेल, सब्जेक्ट एंड मैसेज। अभी सारे को हमें चेंज करके फुल फॉर्मेटेड में जैसा ये है वैसा बनाना है, तो नो प्रॉब्लम, आइए करते हैं। चलते हैं कोड एडिटर पे और करते हैं आगे का काम, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सारा कुछ लगभग लगभग कम्प्लीट ही है। और ये चलते हैं यहाँ पर और करते हैं आगे का वर्क। और यहाँ पर जो है आप ये कर लीजिए सबसे पहले कि जैसे कि हम चलते हैं अपनी साइट में और देखते हैं कितने सारे फील्ड्स हैं वहाँ पर, ये हमारी एग्जिस्टिंग साइट, और 1, 2, 3, 4, 5 कंफर्म का तो नहीं देंगे ना, क्योंकि ये चीज़ हमें वैलिडेट करनी होगी, तो ये हम जब साइट को डायनेमिक करेंगे तभी करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। चलिए चलते हैं, अभी इसको तो ये डायनेमिक के समय ही ये सारी चीज़ें ले जाएंगी, अभी जो मैंडेटरी हमें देख लेता हूँ। ये हो गया कस्टमर ईमेल, इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे दे देते हैं 1, 2, 3, 4। ओके, अच्छा करना ये है कि होगा कस्टमर ईमेल, यहाँ पे होगा कस्टमर पासवर्ड। ठीक है,
यहाँ पे दे देंगे टाइप में पासवर्ड, और यहाँ पे नेम में दे देंगे पासवर्ड। क्रॉस फॉर्म कंट्रोल रिक्वायर्ड तो है ही है, ठीक है। ईमेल में फॉर्म कंट्रोल ईमेल, यहाँ पे दे देंगे सी सी नेम, यहाँ पर दे देंगे सी ईमेल, यहाँ पर दे देंगे नेम में सी पासवर्ड, है ना, सी पासवर्ड। यहाँ पर दे देंगे उसकी कंट्री, और यहाँ पर दे देंगे उसका एड्रेस, और यहाँ पर दे देंगे उसकी सिटी। कंट्री सिटी और कॉन्टैक्ट नंबर, तो यहाँ पे आपका हो गया सी सिटी, सी सिटी। देन यहाँ पे हो गया नॉट सी कंट्री, हो गया सी कंट्री हो गया आपका, एंड ये हो गया सी सिटी, और कॉन्टैक्ट नंबर सी नंबर, अभी एक और कर लीजिए एड्रेस के लिए, सी टू कॉपी, तो और यहाँ पे कंट्रोल वी, यहाँ पर दे दीजिए एड्रेस, ठीक है। और एक और हो जाएगा आपका फोटो के लिए, यहाँ पर दे देते हैं कस्टमर इमेज, यहाँ पे इसको कर देते हैं फाइल, यहाँ पे इसको कर देते हैं सी इमेज, और इसको कर देते हैं सी एड्रेस। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, तो सिंपल सी चीज़ें हैं, एक फॉर्म क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसमें डीप में जाके आपको नहीं बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ें क्या हैं। सी सिटी और सी कंट्री सी मेजेस, और सबमिट की बटन यहाँ पे कर देते हैं रजिस्टर, रजिस्टर। चलते हैं अपने ब्राउज़र पर, देखते हैं क्या उसमें दिख रहा है हमें। सिटी एड्रेस पासवर्ड, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं इसमें। और बस ठीक है, ओके, अभी इसमें कुछ नहीं करना हमें अभी के लिए, बाकी जब डायनेमिक बनाएंगे तब जो काम करना है करेंगे ही। बट आई थिंक आपको भी लग रहा होगा कि ये कंप्लीट हो चुका है, ज़रूरी फील्ड्स जितने भी हैं इसमें हम दे चुके हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, करते हैं आगे काम, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, थैंक यू।